हे गाइस, मैं कुमार आपका दोस्त। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं ग्रेट फॉल वर्जीनिया में, जो है वर्जीनिया और मैरीलैंड स्टेट के बीचों बीच। तो दोस्तों, आज का ये व्लॉग अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि जब भी नया व्लॉग अपलोड हो आप सबसे पहले उसको देख सकें। ये है ग्रेट फॉल का मैप, तो इसमें सारे जो रास्ते वो हमें दिखाए गए हैं कि आप कहाँ से होकर जा सकते हैं, कौन सा इजी वे है, कौन सा थोड़ा अटपटा है, हार्ड है चलने में। तो कोई भी स्टेट पार्क में जाओ, मेरे पिछले व्लॉग्स में भी दोस्तों मैंने आपको बताया है कि हर जगह पे कोई भी स्टेट पार्क हो वहाँ पर ऐसे मैप्स होते ही हैं पूरे पार्क के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पत्थर हैं और गैलरी जैसा उन्होंने बनाया है। एग्जैक्ट आप गैलरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन गैलरी जैसा, देखिए यहाँ पे लगा दिया है ताकि आप ऊपर चढ़े, लेकिन ये बॉर्डर जो है वो आप क्रॉस यहाँ से नहीं कर सकते। दोस्तों कम दिस वे, बहुत ही ब्यूटीफुल दोस्तों। ठीक है, इसलिए यहाँ पर साइन बोर्ड लगे थे कि यहाँ आप स्विम नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों है पहली गैलरी, इसको गैलरी बोलते हैं। तो यहाँ से आप ये व्यू आपको दिखता है, और उससे आगे दूसरी दो गैलरीज है, तो वहाँ पर भी हम जाएंगे और वहाँ का भी व्यू जो है वो हम देखेंगे। सो गाइस, देखिए ये इन लोगों ने नेचुरल ही रखा है, कुछ भी आर्टिफिशियल करने की कोशिश नहीं की है यहाँ पे। सिर्फ ये जो पट्टे हैं लकड़ी के, वही उन्होंने रख दिए हैं। बाकी सारी जो देखिए इतने सारे पत्थर हैं, उसको उन्होंने कुछ भी फ्लैट करने की कोशिश नहीं की है इन लोगों ने। सारा जो है वो नेचुरल है, तो इस वजह से हमें कुदरत के गोद में आ गए ऐसा फील होता है कुछ तो यहाँ पे। देखिए, और अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए स्पेशल। तो देखिए यहाँ पर ईगल्स भी बहुत सारे हैं, नीचे आपको थोड़े उड़ते हुए शायद नज़र आ रहे हो। देखिए तो दोस्तों, ये है फर्स्ट ओवरलुक, जिसको हम गैलरी भी बोल सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे सेकंड ओवरलुक पर। तो चलिए, थोड़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं लेकिन मज़ा आएगा। थोड़ा मैं फुल व्यू कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा व्यू दिखे इसका। Be careful. तो अभी दोस्तों, भारत जैसा मुझे लग रहा है वेदर वाइज, गर्मी शुरू हो गई है यहाँ पर। 85 to 90 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा हाइकिंग करना है, बहुत बड़ा है स्टेट पार्क, तो कुछ लोग स्टिक्स लकड़ियाँ लेके भी आते हैं, ताकि जब चढ़ाई हो, ऊपर चढ़ना हो, तब इजीली आप चढ़ सकें। सो पीछे देखिए, ये है सेकंड ओवरलुक। तो हम जाएंगे यहाँ पे, चलो फ्रंट कैमरा कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग चल नहीं सकते या व्हीलचेयर वाले हैं, उनके लिए ये अलग से रास्ता बनाया है, ढलान बनाई है, और दूसरे लोगों के लिए ये
स्टेप्स बनाए हैं। तो अभी हम दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे तीसरे ओवरलुक पर। दोस्तों एक बात बताना मैं भूल गया कि मेरे एक फ़ैन है, यूट्यूब फ़ैन, जो यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर है, तो वो देखते हैं कि हर व्लॉग में मैं कैप्स पहनता हूँ और अलग अलग कैप्स हमेशा पहनता हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली इंडिया से ये कैप भेजी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर दिस ब्यूटिफुल कैप। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और हाइकिंग करते हैं दोस्तों, ज़्यादा चलते हैं तो हमें पानी भी पीना ज़रूरी है, इसलिए मैं 5-6 बोतल पानी की लेके आया हूँ घर से। तो ये ज़रूरी है कि बीच बीच में पानी पीते रहें। ये पोल आप देख सकते हो, तो यहाँ पर हर लेवल पे ईयर लिखा है, तो इसका मतलब कि यहाँ तक, ये साल में यहाँ तक पानी आ गया था। तो देखिए टॉप तक 1936 जो ईयर है, वहाँ ऊपर का जो आपको साइन बोर्ड दिख रहा है वहाँ तक पानी चला गया था। यहाँ पर है 1972, ये है 1937 में यहाँ तक पानी आ गया था, ये 1996 में यहाँ तक पानी आ गया था, और लास्ट में 1985 में यहाँ तक। तो ये पूरे जो है वो लेवल दिखाए हैं कि पानी का जो लेवल है इतना ऊपर उठा था ये साल में। तो ये भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। चलिए तो अभी हम आ गए हैं थर्ड ओवरलुक पर, और यहाँ पे से हम रिवर देखे तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, क्योंकि ये जो लेवल है ओवरलुक का वो ऊपर है और दोनों जो ओवरलुक के कंपेयर में, तो यहाँ से जो लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है दोस्तों। पेड़ को काट के बैठने की जगह बनाई है, देखिए बहुत ही अद्भुत। तो दोस्तों थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं इसके बारे में, तो यू आर हियर मीन्स हम लोग यहाँ पे खड़े हैं अभी, और यहाँ से पूरा ये ग्रेट फॉल दिखाया गया है, और ये छोटा सा आइलैंड जैसा है देखिए, पर ये मैरीलैंड स्टेट है, ये वर्जीनिया स्टेट है पूरा, और पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। और देखिए जब फ्लड आता है तब कैसा माहौल होता है वो भी पिक्चर यहाँ पे खींचा हुआ है। और ये पूरा अगर बड़ा देखें तो मैंने पीछे अभी पोल दिखाया, तो पोल के हिसाब से आप देखिए कि यहाँ तक पानी आ जाता था, और ये पोल ये मेरे पीछे है देखिए ये पूरा, तो आप सोच सकते हैं कि पानी का जो लेवल है वो कितना ऊपर बढ़ जाता होगा जब पानी आता होगा तब। पार्किंग लॉट है दोस्तों, खाली है देखिए, बहुत बड़ा है, और ऐसा ही दूसरा पार्किंग लॉट है इसके पीछे की साइड। और दोस्तों दूसरी एक बात बता दूं आपको कि जो पार्क है उसका टाइमिंग है सुबह के 10 से शाम के 5 बजे तक, तो 5 बजे जो है वो पूरा बंद हो जाता है, और उसके बाद ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स है जो बाहर है, जाते समय मैं आपको दिखाऊंगा, वो जो रेंजर्स इसको यहाँ पे बोलते हैं पार्क के, तो वो अपनी गाड़ी लेके घूमते हैं, और जो जो लोग अभी भी यहाँ पर होते हैं आफ्टर 5 तो उनको जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ये दूसरा पार्किंग लॉट है यहाँ पर, कंपेयर टू फर्स्ट पार्किंग लॉट बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ से फॉल जो है दोस्तों वो नज़दीक है। ये है इन्फॉर्मेशन
के लिए यहाँ से, ये एंट्रेंस है दोस्तों, यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा पार्किंग का, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हो। तो इसका रेट है दोस्तों $20 per day, और अगर आपको पूरे साल का अगर टिकट लेना है तो $35 में आपको पूरे साल का पास मिल जाएगा, तो आप 365 डेज में कभी भी आ सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट्स करना ना भूले कि आगे और आप क्या USA के बारे में देखना और जानना चाहते हैं। दोस्तों आप मुझे Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं, अमेजिंग एडवेंचरस लाइफ पर। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने दोस्त कुमार को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे, पॉजिटिव सोच रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।